न्यू अशोकनगर के थाना की पुलिस ने लूटपाट करने वाले दो बदमाशों को किया गिरफ्तार। लूटपाट करने वाले बदमाशों के पास से दो चाकू और 5 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। अमृता गुगलोत ने मीडिया को बताया, 29 अप्रैल PCR कॉल से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मोटरसाइकिल बगैर नंबर प्लेट के, जिस पर दो व्यक्ति बैठे हुए थे, वह किसी का मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मामला दर्ज कर न्यू अशोकनगर थाना के SHO संजय नोलिया के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। इस टीम में हेड कांस्टेबल नितिन, हेड कांस्टेबल परवीन को शामिल किया गया, जिसके बाद पुलिस इन दो अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई। इसी बीच 30 अप्रैल को पुलिस के गश्त के दौरान दो लोग एक मोटरसाइकिल पर सवार दिखे, जो कि पुलिस को देखकर भागने लगे। जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा और तलाशी ली, तब इनके पास दो चाकू और 5 मोबाइल फोन बरामद हुए। दोनों पकड़े गए। बदमाश की पहचान शाहरुख है, जिसकी उम्र 27 साल है, जो कि दीपक विहार खोड़ा गाजियाबाद का रहने वाला बताया जा रहा। वहीं दूसरे आरोपी की पहचान अमन ठाकुर के तौर पर हुई है, जिसकी उम्र 22 साल है, जो कि चौड़ा गांव सेक्टर 12-22 नोएडा का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस की ओर से पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि 29 अप्रैल को एक व्यक्ति से न्यू अशोकनगर में एक मोबाइल फोन छीना था, बाकी और भी वारदातों को कबूला है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। दिल्ली से रिजवान खान के साथ NM फरीदी की रिपोर्ट।